हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। कपल्स रसोई की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल बनाना मालपुआ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं मैदा, चीनी, बनाना, सौंफ, कुकिंग सोडा, इलायची पाउडर, सूजी, मिल्क, पानी और ऑयल। पहले हम एक ब्लेंडिंग जार में ये केले को ब्लेंड कर लेंगे। बनाना हम लोग का ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें ये सूजी डाल देंगे। इसमें सौंफ भी डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम एक एक चम्मच के लगे दूध डालेंगे। इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे। ऐसे ही बाकी सारे मैदे और मिल्क को भी धीरे धीरे करके ऐसे मिक्स करते रहेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये बैटर एक स्मूथ कंसिस्टेंसी ना आ जाए। याद रखिए, ये बैटर को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। उसी हिसाब से आप मिल्क ऐड करते रहिए। ये देखिए, बैटर हम लोग का ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें ये कुकिंग सोडा डाल देंगे। और इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे हम आधा से एक घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने चाशनी के लिए 1 कप साइज का 1 कप पानी और 1.5 कप चीनी लेके यहाँ पे हम बॉईल होने देंगे। कुछ देर बॉईल होने के बाद इसमें हम ये केसर डाल देंगे। केसर डालने से चाशनी का कलर बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा। इसे कुछ देर ऐसे चलाते रहिए। ये देखिए, चाशनी का कलर कितना अच्छा आ चुका है। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। इसे इस तरह से उंगलियों में लेके चेक करेंगे। जब ये हाथों को स्टिकी लगे तो फिर चाशनी हम लोग का रेडी है। अब गैस के फ्लेम लो कर लेंगे और दूसरे साइड में मालपुआ तल लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये बैटर को ऐसे राउंड शेप में डाल देंगे। ध्यान रखिए, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। इसी तरीके से इसे थोड़े थोड़े करके बैटर को डाल देंगे। बीच बीच में इसे पलटाते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। ये देखिए, मालपुआ हम लोग का फ्राई हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम कम कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से तेल से निकाल के ये चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह से बाकी के बचे मालपुओ को भी ऐसे ही निकाल के चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डालने के बाद
इसे हम दोनों तरफ से पलटा लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए चासनी में छोड़ देंगे। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी के बचे मालपुआ को भी हमने सेम तरीके से बना लिया है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।